मैं देखूँ तो देखने के तो यहाँ पर लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबका
जो उत्तर लिखी गई उसके बारे में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है। हेलो जी मित्रों, मैं इतिहासकार तो नहीं पर इतिहास दिलचस्पी रखता हूँ और इतिहास सब व्यक्तियों को प्रभावित करता है, मुझे भी प्रभावित। तो इसलिए जो कुछ मैंने पढ़ा है वो तथ्य इकट्ठे किए हैं और कोशिश की है कि जो वस्तुस्थिति है वो जनता के सामने है और कश्मीर को लेकर जो भ्रम है मिथक है। अब इसमें कितना मैं सफल रहा हूँ ये तो जिन्होंने पढ़ी है बताएंगे या आप लोग पढ़ेंगे वो बताएंगे आगे चलकर। कैप्टन साहब का खैर मकदम करते हुए मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। आज हम भारत के ऐसे राज्य की चर्चा कर रहे हैं जिसका मेरी जानकारी में सबसे अधिक इतिहास लिखा गया है, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्य काल हो, चाहे आधुनिक काल। भारत के किसी भी राज्य का इतना विस्तृत अध्याय है जितना कश्मीर का लिखा गया है किसी का नहीं लिखा। और निश्चय ही इसका श्रेय जो जाता है मेरे ख्याल में वो 12वीं सदी में कश्मीर के शासक जयसिम्हा के राजकवि कल्लण हुए थे, उन्होंने इसका इतिहास लिखना शुरू किया संस्कृत में पद्य रूप में। उनके पिता भी उनसे पहले के शासक के यहाँ राजकवि थे तो उनके पिता से उनके दादा से उन्होंने जो शासन देखा वो तो अपनी आंखों से देखा जो वस्तुतः वैसा का वैसा होता है। उससे पहले का जो इतिहास है वो उन्होंने कई माध्यमों से इकट्ठा किया और वो लिखा और वहाँ से शुरू किया जहाँ से कश्मीर एक जो झील थी और वो एक शहर के रूप में कश्मीर के रूप में अस्तित्व में है। और वो बताते हैं कि कश्यप ऋषि ने ही कश्मीर बसाया, इसीलिए इसका नाम पहले कश्यप ऋषि के नाम से कश्यमा और धीरे धीरे इसका नाम कश्मीर पड़ा। उसके बाद उसके शिष्य जोगराज हुए, उन्होंने इस परंपरा को हटाया। जोगराज के बाद उनके शिष्य हुए श्रीवन, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो कहने का मतलब इन लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ी समृद्ध विरासत लेख के इतिहास के रूप में छोड़ कर गए और हम उस राज्य की भी चर्चा कर रहे हैं जिसकी तुलना एक ऐसी तस्वीर से की जा सकती है जिसकी फ्रेम तो बड़ी सुनहरी है, बड़ी आकर्षक पर
उसमें जो तस्वीर में जो फोटो है वो दशकों से झेल चलते हुए आतंकवाद के दंश को झेलते हुए जिस तरह से वो लहूलुहान है, डरी हुई है, सहमी हुई है और अविश्वास भरी नजरों से जैसे हमें देख रहे हैं, ऐसा करते हैं आज चर्चा करने का है। अब मैं जो इस पुस्तक का टाइटल है मिथक और वास्तविकता क्या है उस पर आता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये केवल तस्वीर पर ही लागू नहीं होता, ये पूरे मानव इतिहास पर लागू होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं कि हर आदमी हर काल में अपने से पीछे वाले कालों को ग्लोरीफाई करता है। जैसे बीता हुआ काल हर पीढ़ी करती है, हमारे जमाने में ये, हमारे जमाने में ये, इससे पहले ये। तो यहां पे मैं युवान हरारी जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है सेपियंस, वो कहते हैं कि लोग ये भूल जाते हैं कि हम अपेक्षाकृत बहुत शांतिपूर्ण काल में जी रहे हैं, खासतौर से पिछले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय है उसके बाद से लेकर अब तक का जो काल है पूरी दुनिया के लिए अपेक्षाकृत बहुत शांतिपूर्ण था। उससे पहले बहुत हिंसात्मक काल, और ऐसा नहीं कि चारों तरफ हिंसा का ही बोलबाला रहा हो, कहीं कहीं कुछ कुछ समय के लिए अच्छा काल भी रहा है, पर अपेक्षाकृत ये काल बड़ा शांतिपूर्ण है पिछले 70-80 साल। तो पहली बात तो ये है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे भारत हो, चाहे पूरी दुनिया हो, हर आदमी, आज का आदमी निश्चिंत होकर सोने चला जाता है कि उसे ये डर नहीं है कि मैं उठूंगा तो मेरा ऐसा तो नहीं है कि राज्य बदल दिया जाएगा या शासन बदल जाएगा या पूरी बस्ती जला दी जाएगी, खेत के खेत जला दी जाएंगे। यही था आज जब से राष्ट्र राज्य बने हैं तब से पहले की तुलना में छोटी छोटी रियासतें हर जगह हुआ करती थी और वो रात दिन जो है आपस में झगड़ा करती थी। टोंक रियासत छोटे से स्तर पर भी बात करूं तो युद्ध चलते ही रहते। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, समाजशास्त्री में है, उन्होंने कहा पिछले 4000 सालों में अगर दिनों की संख्या गिने ना कुल 4000 साल, तो वो कहते हैं कि 4000 सालों में मुश्किल से 100-150 सालों में जितनी दिनों की संख्या होती है वो केवल शांति पूर्ण निकले होंगे गिने 4000 सालों में, बाकी तो मनुष्य युद्ध लगती रहा है। तो पहला मिथक तो कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मानव जाति के इतिहास का ये है कि जैसे अपन कहते हैं हो हमारे जमाने में वो ठीक है, कुछ समय के लिए कहीं शांति होगी वो बात अलग है, बाकी मानव जाति जो है युद्धों में रही और सब और सत्ता के लिए धन दौलत के लिए वो कोई मतलब है। दूसरा ये है कि जैसे कि कहा जाता है कि इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के जोर पर गए,
तो प्रश्न ये आता है कि कश्मीर में भी क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? तो मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि किसी भी शासक का काम धर्म का प्रचार करना नहीं होता है, धर्म को फैलाने का काम शासक का नहीं होता, धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का काम दो वर्ग करते हैं, या तो सूफी संत करते हैं या क्लर्जी वर्ग करते हैं, पुरोहित वर्ग करते हैं, पंडित मौलवी ग्रंथी पादरी ये लोग करते हैं। शासक का काम धर्म के काम, चाहे वो मुस्लिम शासक रहा हो चाहे हिंदू शासक रहा हो चाहे बौद्ध शासक। एक अपवाद है रोमिला थापर, प्राचीन इतिहास के एक नामी लेखक लेखिका रही है, बड़ा नाम है। अपने भारत के इतिहास में एक शासक जरूर हुआ है जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अशोक, वो भी कलिंग की विजय में मारे गए लोगों की हिंसा को देखकर जब वो विचलित हुआ तो बौद्ध धर्म में अपने यहां भी भारत में भी कश्मीर पे बात करूंगा, भारत में भी जो मुस्लिम शासक हुए हैं वो तो 12वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ, 1192 में मोहम्मद गोरी के जीत से शुरू होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये कहना ही बेमानी है कि मुस्लिम शासक हिंदू शासक, भाई ये क्या बात है? शासन करने वाले का धर्म क्या है उस समय जनता का इससे कोई लेना देना नहीं था, न शासक को लेना देना था कि प्रजा किस धर्म का पालन कर रही है। बौद्ध शैव वैष्णव इस्लाम बाद में क्रिश्चियन ब्रिटिशर्स आए तो उनको इससे मतलब नहीं है कि प्रजा कौन सा धर्म का पालन कर रही है, अपना अपना धर्म का पालन करें। तो पूरी दुनिया में और मैं अपन भारत की बात करें और फिर अपन कश्मीर पर भी आए तो जो इस्लाम तो मुस्लिम शासकों के आने से पहले ही आ गए थे भारत में और कश्मीर में, भक्ति काल और भक्ति काल में चूंकि कश्मीर पे बात हो रही है तो कश्मीर के भक्ति काल की बात करूंगा। वहां एक ललक दिद्ध हुई है बड़ी सेम योगी ने, उसका नाम उसी तरह से आदर्श लिया जाता है कश्मीर में जैसे अपने यहाँ आप कबीर और चौथा मेला नरसिंह मेला रेदास उस तरह से। उसके बाद अब्बा खातून हुई है, उससे पहले ललदत्त के बाद में नुंद ऋषि हुए हैं, रूप बमानी हुई है, ये बड़े सूफी संत हुए हैं। उसकी इनकी त्याग तपस्या धर्म परायणता सहिष्णुता और भाईचारा सौहार्द प्रेम की वजह से लोगों जिनके लोगों के दिल में आया उन्होंने इस्लाम अपना लिया, जिन्होंने नहीं अपना ले अपना बात किसी। अब एक संयोग बना कि 14वीं सदी के 1320 में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है कश्मीर में। वह क्या कि एक तिब्बती बौद्ध रिंचिन उसका नाम था राजकुमार, वो अपने मित्र शामिर के साथ, उस समय कश्मीर में क्या है एक दुलचा नाम का दुर्दान आक्रांता है, बड़ी लूटपाट मचा रखे थे आतंक, और उस समय का जो राजा सहदेव
है अच्छा वो गुलजार था वो तो आक्रांत था धन रूप था तो वो रूप आके चला गया। अब चले जाने के बाद वो राजा सहदेव वापस जहाँ से गायब हुआ था निकल निकल कर आया तो प्रजा ने स्वीकार कर दिया। ऐसे राजा जो धर्मों को गया प्रजा को बेसहारा छोड़ गया उसको हम कैसे राजा स्वीकार करें, अपराध तक भी मची थी। तो रिंजिन को मौका मिला तो रिंजिन को मौका मिला तो सावीर और रिंजिन दोनों ने मिल के और वो सरकार रिंजिन जो बौद्ध था वो हिंदू धर्म अपनाना चाहता था पर यहां पर वही श्रेष्ठता बोध आ गई। श्रेष्ठता बोध आ गया तिब्बत बौद्ध धर्म के अनुयायी से हिंदू धर्म में आए हुए राजा को हम कैसे दीक्षित करें। तो उसने क्या किया कि सामीर तो उसका मित्र था जिसकी सहायता से वो गद्दी पर बैठा रहा और एक सूफी संत या कोई किसी को नमाज पढ़ते हुए उसकी दिनचर्या देख के उससे प्रभावित होते हैं और उसने इस्लाम को अपनाया और वो सदरुद्दीन नाम थे उसने। तो कश्मीर का पहला जो इस्लाम को मतलब मुस्लिम शासक और हिंदू शासन का नाम नहीं हो भाई नाम बेमान है भाई शासक है उसका धर्म कोई भी हो सकता है। तो सदरुद्दीन नाम का व्यक्ति पहला मुस्लिम शासक उसके बाद बदलते रहे तो एक बात ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि अच्छा कोई भी चीज जो है ना तलवार के जोर पर ये बात इसलिए भी हजम नहीं होती है कि 600 साढ़े 600 साल जो राज करे और प्रजा के खिलाफ अगर जाकर राज करे और जमे रहे ये संभव है। वो प्रजा की मनस्थिति के अनुसार जैसे एक उदाहरण देता हूं खिलजी खिलजी से कुछ जो है मौलवी वगैरह जो है जाके शिकायत करने लगते साहब आप तो जो है हिंदू पंडितों को देखो बहुत ज्यादा महत्व देते हो हमारी तो हिंदी नहीं है और ये वो। खिलजी ने कहा कि मैं ऐसा है कि मैं नमक के बगैर तो रह सकता हूँ आटे के बगैर नहीं रह सकता। तो इस बात को समझे हम समझे तलवार के जोर पर कोई अगर इतनी बड़ी जनता को धर्म परिवर्तन करने लगे तो टिक ही नहीं सकते। ये तो एक मनोविज्ञान की बात है कोई भी धर्म फैलता है तो उसकी जो नैतिक मूल्य है उनसे कोई आकर्षित होकर अपनाता है। इसके बाद एक मिथक मेरे पर्दे से ये भी टूटता है कि ये कहें कि भाई साहब हिंदू शासक तो बड़े परोपकारी कल्याणकारी और बड़े उदार और मुस्लिम शासक निरंकुश ऐसे ही सुन अत्याचारी या उल्टा भी हो मुस्लिम कट्टरवाद को जो मानने वाला वो ये भी कह सकता है हिंदुओं ने बहुत अत्याचार किए हैं मुस्लिम शासक बहुत उदार हुए हैं दोनों बातें दोनों तरफ से दोनों बातें हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि ये किताब इस मिथक को भी तोड़ दी। हिंदू शासकों ने बहुत उदार केवल एक नाम लूंगा ललित्यादित्य ठीक है अवंति वर्मन भी हुए हैं जय सिंह भी हुए हैं बड़े उपकार बहुत कल्याणकारी काम करे बहुत। तो मुस्लिम शासकों ने जैनुल आबदीन 50 साल का कश्मीर का स्वर्ण कहा तो उल्टा भी दे दिया। हिंदू शासकों में मिहिरपुर नाम का एक शासक हुआ है। अब आप उसकी नृशंसता का पता इस बात से लगाएंगे कि जब वो नगर में चलता था
पितृ किसके पीछे पड़ते हैं, मुर्दों के, यानी मार काट करते ही मीर। और एक तो अजीब बात देखिए, कितना नृशंस था। एक बार एक हाथी खाई में गिर गया तो उसकी चिंगार उसको भाग गई, पसंद आ गई, तो उसको सुनने के लिए उसने कम से कम 100 हाथियों को एक एक करके हाथियों को खाई में गिरा कर गया, उनकी चिंगार सुनकर आनंद देता, इतना नृशंस। दूसरी तरफ सिकंदर मुस्लिम शासन हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन कराए, नहीं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनको मौत की घाट सुनाए, मंदिर भी तोड़े। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी शासक को अच्छा या बुरा इस वजह से नहीं कह सकते कि वो इस्लाम को मानने वाला है इसलिए अच्छा है या बुरा है, या वो हिंदू धर्म को मानने वाला है इसलिए अच्छा है या बुरा है। दोनों तरह के उदाहरण मैंने आपके सामने देखे। इसलिए शासक को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो शासन किस तरह से करता है जनता इस पर निर्भर करता है। इसके बाद एक मिथक ये भी है कि भाई जैसे प्राचीन काल में तो स्त्रियां हमेशा ही रहने, आजकल खुलापन आया है, प्राइम मिनिस्टर भी हो रही है, प्रेसिडेंट भी हो रही है, मंच भी है, ये है, कहीं भी जाती है, ऑफिसों में काम करती है। प्राचीन काल में तो स्त्रियां प्राय पर्दे में ही, उनकी राजकाज में कोई भूमिका नहीं, ऐसा भी नहीं। प्राचीन काल में ऐसा भी समय आया है जहाँ स्त्रियों ने शासन में बहुत भागीदारी की, उनसे राय ली जाती थी। और एक रानी दिग्धा नाम उसने तो 50 साल राज किए अपने बेटे के नाम। और एक बात और बताऊ, उसने भी वो राज करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जो एक पुरुष शासक है, जैसे अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना, षड्यंत्र करना अपने शासन को बनाए रखने के लिए, जो सारी तजवीजें करते हैं वो सारे रानी दिखता। और भी उनके कोटा रानी कोटा तो स्त्री होने के कस्तरे पे राज किए। अब आधुनिक काल में आते हैं, आधुनिक काल में सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है कश्यप, और ये जब से आजाद हुआ तब से ही विवाद, और वो अभी भी चल ही रहे हैं। और जब इस कश्मीर के विवाद की बात आती है तो लाजमी है कि भाई उस समय नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनके हाथ में था, तो सारा जो है उन्हीं पे आरोप, जो भी गलतियां हुई या रही या कमियां रही या नहीं रही सब नहीं। तो पहला जो आरोप लगता है कि नेहरू ने जो है, देखिए आजाद हुआ तो दो तरह के भारत थे, ब्रिटिश भारत और देशी राज्य, जहाँ पर देशी राजा महाराजा नवाब राजा करते थे और अंग्रेजों का उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते थे। तो रियासतों को मिलने का मौका दिया, कश्मीर भी रियासत थी, मुस्लिम बहुल इलाका था और शासक हिंदू हरिजन। पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, वीपी मैनन उनके सेक्रेटरी हुए थे, और माउंटबेटन को ये कहा था पटेल ने कि मुझे सेवों से भरी टोकरी चाहिए। तो माउंटबेटन ने कहा कि भाई 2-5 सेब कम ले जाएंगे तो चल जाएगा, हाँ दो ज्यादा नहीं, भाई सेवों से भरी टोकरी। तो वाकई मतलब पटेल का बड़ा रोल रहा देशी राज्य, 15 अगस्त से पहले पहले 3 रियासतों को छोड़कर
सारी रियासत ज्यादातर भारत में, कुछ जो भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान से लगी मौजूदा वो उधर बाकी ज्यादा भारत जूनागढ़ को जनमत से लिया, हैदराबाद को भी ले लिया, कश्मीर का कुछ कारणों से, मैं उन कारणों पर नहीं जाता, वो डिटेल में बात हो जाएगी, कुछ कारणों से पटेल से ये काम नहीं हुआ। तो सब नेहरू ने लेने, तो नेहरू ने लेने का मतलब ये नहीं कि पटेल बिल्कुल पर्दे से गए, दोनों के प्रयत्नों से ही कश्मीर का मिल पाया। देखिए अब्दुल्ला उस समय का लोकप्रिय नेता था, वो नेहरू का मित्र था, दोनों के वामपंथी चुनाव के थे, समाजवाद का दृष्टिकोण था, दोनों नजदीक थे, इधर पटेल और हरि सिंह की नजदीकी थी। तो पटेल तो हरि सिंह को साथ रहे थे और नेहरू अब्दुल्ला को साथ रहे, तो इन दोनों के प्रयासों से ही कश्मीर भारत में शामिल हुआ है। और इसका बड़ा जो श्रेय जाता है वो शेख अब्दुल्ला, क्योंकि शेख अब्दुल्ला लीग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो जानता था कि लीग सांप्रदायिक है, जमींदारों की सामंतों की पार्टी है, और मेरे जो है विचार वो जन कल्याण की है, तो मैं एक सेकुलर राष्ट्र में रहना चाहूंगा भारत जिसमें उनके आदर्श थे महात्मा गांधी और नेहरू। तो शेख अब्दुल्ला, पटेल और नेहरू, इन तीनों के प्रयासों से ही कश्मीर भारत रहा। देखिए इतिहास में कोई घटना ऐसी घटती है कि एक मील का पत्थर हुआ क्या, हरि सिंह निर्णय नहीं कर पाया, सारी रियासत ने निर्णय सबसे गलत। मैं तो मुझसे अगर आप लोग प्रश्न करेंगे कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा बना क्यों रहा कश्मीर का, तो एक ही जवाब है, महाराजा हरि सिंह के अनिर्णय की स्थिति। अगर अन्य शासकों की तरफ निर्णय करते तो ये झमेला ही नहीं होती, ठीक है। करण सिंह खुद लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि आत्मकथा में कि मेरे पिता के अनिर्णय की स्थिति में ही कश्मीर का मामला, वो परिस्थिति समझ ही नहीं सके कि दुनिया बदल गई है, प्रजातंत्र आ रहा है और आप सामंती व्यवस्था खत्म हो गई है, सब सामंत खत्म हो गए और आप शामिल होंगे, वो समझे नहीं। वो स्वतंत्र होने के स्वप्न में देख रहे कबाइलों ने आक्रमण कर दिया, हाथ पांव फूल गए, महाजन महाजन थे प्रधानमंत्री उस समय, और शेख अब्दुल्ला वही थे दिल्ली नेहरू के पास गए, महाजन ने कहा नेहरू से सेना भेजिए और बचाइए कश्मीर को, नहीं तो मैं जिंदा से जाकर सब तय करता हूं। नेहरू देश में आ गए, बाहर निकल गए, आप ऐसे जिंदा रहने की बात करते, शेख अब्दुल्ला ने बात सुनी, शेख अब्दुल्ला पर्ची भेज दी, फिर मैं चल महाजन को कहा नेहरू को शेख अब्दुल्ला, तो महाजन कहते हैं कि इस घटना ने कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से बचा लिया और मैं जीवन भर इस बात के लिए शेख अब्दुल्ला का कृतज्ञ रहूंगा कि मुझे और मेरे कश्मीर को पाकिस्तान में जाने से बचा। इसके बाद जैसे संयुक्त राष्ट्र में इनको ले गए सब नेहरू, ये भी बात आती है। तो देखिए मैंने भी कहा ना माउंटबेटन पर कितना ही इल्जाम है, माउंटबेटन का निश्चित रूप से झुकाव भारत के और उसके प्रयासों से ही बहुत सारी रियासतें, मैंने सेव का उदाहरण दिया तो उनके प्रयासों से ही ज्यादातर जो है। हाँ कश्मीर को लेकर वो था कि भाई मुस्लिम आबादी है इसके बाद जनमत संघ हो जैसे जुड़ा फिर ये बात है, तो माउंटबेटन के कहने से संयुक्त राष्ट्र में नेहरू भाई जो व्यक्ति आपका इतना सहयोग कर रहे हैं, अरे नेहरू इसमें भी थे, वो बड़े आदर्शवादी थे, उन्होंने सोचा कि
पंच पंचायत है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पांच पंच पंचायत है, वहां पर पंच जो फैसला करेंगे वो मान लेंगे, पर वहां धोखा खा गए। और नेहरू को इस बात का अफसोस मिला जीवन भर कि मुझे पता नहीं था कि वहां इस तरह के छल कपट और धोखाबाज की होती है और संयुक्त राष्ट्र ने इसको निजात दिया। खैर, इसके बाद 370 और 35 ए को लेकर मामला आता है। तो 370 और 35 ए, देखिए 35 ए की बात है, 35 ए में यह है कि भाई वहां कोई बाहर का नागरिक जो है जमीन नहीं खरीद सकता, वहां बस नहीं सकता। तो ये तो कश्मीर के अलावा 11 राज्यों में और भी है, अभी भी कई राज्यों के अंदर 35 ए। 370 तो क्या है कि विशेष परिस्थिति में इसका विलय हुआ था, तो संविधान सभा में जब इस पर बात आई, नेहरू तो अमेरिका में थे और पटेल यहां थे, उनका कार्य वो संभाल रहे थे उनके अनुपस्थिति में। कांग्रेस ने भी विरोध किया था, 370 मत तो कश्मीर को, पर पटेल ने ही समझाया कांग्रेस विश्वास पर। हालांकि नेहरू की पहले सहमति ले ली थी, बाकी संविधान सभा में नेहरू की अनुपस्थिति में कांग्रेसियों को अन्यों को समझाने में पटेल की बड़ी भूमिका है। और एक बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आगे चलकर जिन्होंने जनसंघ बनाया, उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया था 370 का, वो भी इस बात के सहमत थे। तो 370 भी विशेष परिस्थिति के कारण दिया। एक बात कि साहब नेहरू बार बार जब ये हो गया तो जनमत संग्रह की बात क्यों उठाते रहे? तो देखिए, जनमत संग्रह की बात इसलिए उठाते रहे दो कारण थे। एक तो ये था कि जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह से शामिल किया, इसलिए कश्मीर को जबरदस्ती शामिल नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय छवि का नकारात्मक प्रभाव था। तो एक दूसरी बात, वो शोर थे कि जनमत संग्रह में भारत जीतेगा, जनमत संग्रह में भारत जीतेगा तो शोर थे, उसकी गारंटी थी सेना को। देखिए, तीन भाग थे, जम्मू लद्दाख और गढ़। जम्मू हिंदू बाहुल्य था, नेचुरली वो जनमत संग्रह तो भाग के पक्ष में रहते। लद्दाख बौद्धवाद बहुमत के थे, वो नेचुरली, और घाटी में मुस्लिम वो शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में थे, शेख अब्दुल्ला भारत में ही विदेश जाता था, तो 100% जनमत संग्रह माउंटबेटन ने तो कहा था उससे जिन्ना से जनमत संग्रह करा लेता है, जिन्ना जानता था हम उन्होंने नहीं करा। तो जनमत संग्रह की बात होता था तो उसको विश्वास था। इसके बाद बहुत बाद में अपन चले तो कि भाई जैसे तो बस हो गया। जैसे एक बात और है कि जैसे आतंकवाद, ये 87 की बात की डेवलपमेंट के साथ है, वो संक्षेप में बता देता हूँ। इसमें हिंदू टारगेट रहे, पर पहली बात ये समझे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। तो आतंकवादी को अपने विचारधारा के खिलाफ जो बोलना है उनको भी निशाना बनाना है। तो हिंदू या पंडितों के अलावा, सिखों के अलावा, वहां जो मुस्लिम लोग थे और भारत का पक्ष लेते थे वो भी मारे गए आतंकवाद। तो मेरे कहने का मतलब है कि आतंकवादियों द्वारा उन लोगों को, आतंकवादियों के निशाने से वो सारे लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जो भारत की कार्यदारी करते थे। और बस कोई बहुत ज्यादा क्योंकि अब जाना है तो मेरी बात यह है। अंत में जिन विद्वान साथियों की मैंने पुस्तकें पढ़ी उनका मैं ले रहा हूँ, गर्ग साहब से फोन पर बात होती रहती है, तो ऐसे ही जब ये पुस्तक का काम चल रहा था तो एक दिन फोन आता है कि क्या पढ़ रहे हैं, हमेशा यही पूछते। तो मैंने कहा वो किताब लगभग पूरी हो गई, पाली लिखी है, मैं प्रकाशन को देना चाहूँगा। तो आपने कहा कि मैं उससे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा।
जैसे है व्यक्ति और मेरे लिखे हुए को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, मेरे को तो मतलब खुशी का ठिकाना है कि मेरे लिखे को घर साहब जैसे इंटेलेक्चुअल पढ़ने के लिए कहे कि मैं पढ़ना चाहूंगा पैसे दे दीजिए और मैं कल प्रूफ रीडिंग भी करूँगा। प्रूफ रीडिंग भी और जब पढ़ी है तो मेजर लिए कि सुझाव देने थे तो बहुत सारे सुझाव है। फिर मंजी चले गए, उन्होंने कहा कि एक बार फाइनल रिपोर्ट देख लूँ, उन्होंने भी प्रूफ रीडिंग सुझाव दिए। सक्सेना साहब जो है मेरी पहली किताब का निर्वाचन हुआ और एक महीने बाद ही जैसे बड़े बड़े कहते हैं कि बहुत हो गया आराम, कुछ कारोबार शुरू करो, यानी उनका इशारा था कि एक किताब पूरी हो गई लिखना उतना शुरू करो। तो मैंने इनको आश्वस्त किया है कि पहले किताब छपते ही उसी समय मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तब इनको मैंने बताया कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने भी मुझे प्रेरित किया, नामा साहब ने पढ़कर जो है मुझे हौसला अफजाई की। पंचोली जी जब भी आते हैं जिक्र यही करते हैं, शिवानी साहब जो भी आप जिन्होंने भी पढ़ी है और पढ़े हैं शायद मैं अपनी बात को कैसे रख पाया ये तो आप लोग ही निर्णय करेंगे। एक इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूंकि मैं थोड़ा गांधी साहित्य ज़्यादा पढ़ता हूँ तो गांधी के जो एकादश व्रत है उसमें और सारे अगर व्रतों को पालन में भी कठिनाई आती है तो कम से कम मेरी अपील ये है कि हम उनका एक व्रत था सर्व धर्म सम, हम ये कोशिश करें अपने जीवन में भी उतारें और ज्यादातर शिक्षक हैं तो इस बात को फैलाएं कि सब लोग जो है सभी धर्मों का आदर करें। तो देखिए कैसा समाज बनता है, कैसा राष्ट्र बनता है और जब सद्भावना रहती है तो निजी भी शांति रहती है तो विकास अपने आप होता है। कैप्टन साहब का मैं फिर आभारी हूँ कि आप बुखार में पीड़ित होते हुए आपने समय निकाला और आपने सुना, आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। मेहमान और हमारे आपके शमशेर साहब,
प्रकाश में आ रही थी तो पुस्तक के प्रकाशक आदरणीय रमेश खत्री जी ने मुझे कहा कि आप टॉक रही हैं, उस समय मेरा ट्रांसफर जम्मू हो गया था, तो आप टॉक रही हैं, आपके प्रकाशक जो जैन साहब हैं जिनकी पुस्तक मैं छाप रहा हूँ, मैंने कहा पुस्तक का विषय क्या है, उन्होंने कहा कश्मीर का पुस्तक है, कुछ मिला कुछ मिला। मैंने उन दिनों में एक नई पुस्तक पढ़ी थी जिसका टाइटल था कश्मीर, अशोक पांडे की पुस्तक है, वो कश्मीर पुस्तक आप सभी जानते हैं। आगरा करूँगा आए और कहें
साहब, हमारे परम सम्मान्य आयुर्वेद साहब, हमारे पुराने साथी और अजीत कुमार नामा साहब, हमारे पुराने साथी और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रेसिडेंट साहब प्रणु जी और हमारे साथी सोलह साहब और साहित्य के सभी विद्वान साहब, जैसा कि आज समारोह ऊपर ने कश्मीर मृतक और यथार्थ को जो पुस्तक लिखी है, एक नवीन विषय भी है पढ़ी और रोचक विषय भी है कश्मीर के बारे में, बिना वहाँ के बारे में सब लोग कुछ करता है किस तरह है, तो पुस्तक की लेखन में कि साधारण कला नहीं है, हर आदमी पुस्तक लिख सकता है। पुस्तक लिखने में बहुत गहन अध्ययन करना होता है, बहुत किताब पढ़नी पड़ती है, बहुत तथ्य निकालने पड़ते हैं और फिर अपने मन में विचार अपन मन के विचार को बाहर लाना और सब तक पहुँचाना ये एक दूसरा कार्य होता है। कुमार चंद्र जैन साहब ने विशेष सारणी कार्य और कुछ लोग पढ़े उन्होंने बताया और जो पढ़ेंगे उनके भी भ्रम से निकलेंगे क्या चीज है और कैसे है। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि पुस्तक हमारी लाभदायक रहेगी, सभी को अच्छा स्रोत मिलेगा जानकारी के लिए और जो अपने मन में विचार है कश्मीर के बारे में सब कुछ जानते हैं पुस्तक को पढ़ने से लेकर किस स्रोत की जरूरत है। आज हमारे कॉलेज में भी तीन चार प्रोग्राम का कार्यक्रम है और इसके अलावा तो निश्चित रूप से आप कार्यक्रम चलाएंगे और अच्छा कार्यक्रम रहा इसके मेरे को आज बुलाया बुलाया धन्यवाद साधुवाद जय हिंद। कोई समस्या नहीं है। जैनुल आबिदीन साहब
बहुत लंबी स्टोरी इसकी मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन राजनीतिक साहब को शासक क्यों बनाया है, वो गोल्डन पीरियड क्यों रहा, हिंदू और मुसलमानों का यहाँ कोई मसला नहीं है। वहाँ के लोगों ने देखा है कि ईमानदार और आदमी और नेक आदमी है, तो ये हमारे साथ इंसाफ करेगा। और हुआ भी तो जहरील आदमी साहब का 50 साल का शासन हुआ, वो गोल्डन पीरियड कहलाता है। लेकिन उसके बाद कश्मीर की किस्मत ऐसी है कि जो कश्मीर में आया उसने कश्मीर में रुका, कश्मीर का हिसाब कश्मीर वालों ने भी नहीं किया। हम तो नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। और अगर कश्मीर का वाकई इंसाफ आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से या तो महाराज करणी सिंह जी कर सकते हैं, या ये किसान ईमानदारी से अगर कोई पड़ेगा तो इंसाफ करना। ये कहते हुए मैं आप सबसे चाहता हूँ शुक्रिया बहुत बहुत। आप शुरू में कह देते हैं। अब क्योंकि बात तो गुड़ है और गुड़ ही होगी, इसमें कोई हल्के स्तर पर नहीं जा सकते। बात बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी शिद्दत से बड़े संसार में होकर उन्होंने लिखी है पुस्तक। और पुस्तक लिखने का जो साहब ने जो हमारे साथ में थोड़ा सा किया कि जो लिखक है वो ऐसी धारणा है जो हमारे सामने जिनसे हम भी अपने विचार नहीं स्पष्ट दिशा नहीं प्राप्त कर पाते, हम भी वो उलझन रहे थे। वो बात है कि स्पष्ट हुई है, चाहे से कपिला साहब को लेखक हो चाहे रघु को लेखक हो या राजीव को लेखक, वो बात है इसमें थोड़ा सा और उनको पढ़ के समझा जा सकता है कि यथार्थ क्या रहा। ये और बात है कि हम तक क्या पहुंचा और हमने उसको कैसे अपने आप में स्वीकार करके हम सोच बैठे हैं कि नहीं हालात ऐसे थे या कोई और दूसरी था या नहीं था। तो ये पुस्तक इस बात में बहुत सही राह दिखाई है। अब इसी कड़ी में मैं नामा जी से आग्रह करूँगा कि अपनी बात कहें, उसके बाद मैं थोड़ा सा मंच खोलूँगा ताकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है गर्सा बोले उससे पहले कुछ प्रश्न भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। मैं भी उनमें से श्रुति पाठक रहा। इससे सबसे पहले पुस्तक
थोड़ी पब्लिश होने से पहले मुझे बहुत अच्छी लगी जितनी प्रशंसा की जाए किताब की वो कम है। उनकी शैली, भाषा, विचार जो भी कुछ इसमें है सभी प्रशंसा के योग्य हैं। पहली पुस्तक की बात कहना चाहूँगा ये साहब का हालांकि कॉमर्स के यूपीएससी के लेक्चरर है, कॉमर्स पढ़ाई यूपीएससी पढ़ाई। पहली पुस्तक में लिखा कि लोगों को बुरा लगेगा, गलत लगेगा कि कॉमर्स का विद्यार्थी या शिक्षक इतिहास के बारे में लिख रहा है। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञान नॉलेज किसी की बकौती नहीं होती कि वो इस विषय में लिखे दूसरा ग्रंथ जितना लिख सके। अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी नॉलेज है जो व्यक्ति उद्धृत करता है या लिखता है। इसके कॉमर्स का उपयोग भी वाणिज्य के उपयोग भी उन्होंने इतिहास का क्षेत्र चुना। इसमें उन्होंने सार्वजनिक बात लिखी वो प्रशंसा योग्य है, अनुवाद भी योग्य है। इसमें दो राय थी, मनुदी का भी गर्ज साहब का भी इसमें योगदान रहा कि उन्होंने प्रूफ रीडिंग की इसका टाइटल दिया, ये भी एक सराहनीय कदम रहा इनका। तो जैन साहब को मैंने कहा था पहले कि पुस्तक जो लिखी है ये केवल पार्ट नहीं है, इसका पार्ट वो भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। शायद याद रहा होगा बात की थी मैंने, इसके पार्ट भी हमारे सामने आए ताकि बाद में जो चीज़ें चल रही हैं बाद में घटनाक्रम हुए जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ी उसकी भी विवेचना सेकेंड पार्ट में की जानी चाहिए। तो इसका मेरे आग्रह है इससे आगे इस पुस्तक के बारे में और लिखें। कश्मीर शब्द है जैसे तीन अल्फाबेट देंगे आप तो उसमें मालूम पड़ता क्या है, कशम कश कशम कश्मीर। तो कश्मीर तो शुरू से कशम कश का अक्षर रहा है, पहले ही हमारे लिए अभी भी कशम कश है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आज भी कैसी स्थिति चल रही है, कैसी चल रही है आप वो सब जानते हैं। अभी वो शांतिपूर्ण कश्मीर पहले भी नहीं था और आज भी नहीं था। तो कश्मीर में कशम कश तो अपने आगे आ गई, कहते हैं भारत का ये हमारा ये सिंबल था, मुकुट था। और दोस्तों बात की कहा कहीं ऐसा नहीं है उल्टा हो जाए, भगवान न करे कि कश्मीर का जो ये स्वर्ग है इसका उल्टा रूप ले ले, उस शब्द में नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा ना हो यह सब की भगवान से दुआ है, कश्मीर हमारा सिंबोरी बना रहे, हमारे देश का इम्पोर्टेंट पीस प्लेस है जो स्वर्ग कहलाता है वो हमेशा स्वर्ग ही बना रहे। कश्मीर की प्रॉब्लम हालांकि सामने अपने भाषण में सारी बातें बताई है, पुस्तक तो मैंने पूरी पढ़ी है, आप भी पढ़ेंगे पढ़ी होगी आपने। तो ए टू जेड इन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे कश्मीर में प्रख्या में तो विज्ञान का छात्र रहा हूँ, विज्ञान में भी एक छोटा सा पाणी शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ। इतिहास तो मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं, दसवीं तक मैंने इसको स्टडी को पढ़ा था, लेकिन पुस्तक को पढ़ने के बाद लगता है कि हर व्यक्ति को थोड़ा इतिहास भी पढ़ना चाहिए ताकि इसकी नॉलेज आए। मुझे मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर नाम पड़ा और सबसे पहले वहाँ के राजा थे कर्ण जो साहित्यकार थे, उन्होंने इसके काफ़ी कर्णी के अंदर अपनी बातें लिखी, उसका इतिहास लिखा। तो जैन साहब ने ऐसा तो पॉइंट नहीं छोड़ा जो उस पुस्तक में ना आया हो। एक बात जरूर है कि जो 370 हटी या 35 हटा उसके बारे में अभी तक कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं, हालांकि उन्होंने धारा हटा दी ये प्रॉब्लम हटाई लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। उसका कारण ये मानता हूँ मैं कि हमारी जो राजनीति है ये वो कोई सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है कि कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि हम सबका उद्देश्य है सरकार का बीएल के कारण हमारी कुर्सी बनी रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी हो और किसी भी शर्त पर या किसी भी कीमत पर अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते ही नहीं। जब भी कोई बात होती है आप टीवी में देखते हैं डिस्कशन आता है, उधर घंटों डिस्कशन आता है, नैरेटिव से स्टार्ट होता है राहुल गांधी तक चलता हो, तो कहने वाले चाहे वो रेफरेंडम हो या तो संग्रह हो या कोई सी बात हो, तो क्या नैरेटिव दोषी थे या समय के जो गवर्नमेंट थी या दोषी थी? उस समय आप भी होते या मैं भी होता है कोई भी प्रधानमंत्री होता तो वो भी कोई स्टेप लेता जो नरेंद्र ने किया था या खत्म किया था, क्योंकि हर आदमी अपने अपने स्टाइल से उसको वो स्वीकार करता है। बाद में केवल आलोचना के लिए अगर हम उसे कैसा करते हैं, वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि आप भी वही करते हैं जो पहले की सरकार ने किया होगा, उसमें कैसी परिस्थितियाँ रही कैसा परिवेश रहा उस समय की अनुकूल के हिसाब से ही आदमी नया सोल्यूशन कर पाता है। इसलिए किसी को सोच देना तो ठीक नहीं है। अब तो यही है कि कैसे वहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो,
सब राष्ट्रीय के लोग शांति पूर्ण सके और हमको तो जनता समझे ये हमारे सबकी आकांक्षा होना चाहिए। फिर एक बार जैन साहब को भी फिर दोबारा साथ बात दूंगा कि उस समय बहुत कम रहा है बोलने वालों की काफ़ी है भी लोग यहाँ पर तो मुझे आपने बुलाया मुझे सम्मान दिया इसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ और अच्छा करता हूँ जैन साहब निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे ताकि दो पुस्तक लेकर बातें भी करेंगे और भी कुछ सारे लिखते रहेंगे। और मेरा मानना ये भी है कि जो भी शिक्षण विभाग से जुड़ा हुआ है या शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ उसे अपने जीवन में पुस्तक जरूर लिखना चाहिए या किसी भी विषय पर लिखे इससे क्या होता है हम तो चले जाएंगे एक पुस्तक आपकी पता नहीं कब तक बोलती रहेगी आपके बारे में आपके बारे में बताती रहेगी। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ना पुस्तक लिखना ही चाहिए ताकि पुस्तक के रूप में हमेशा वो जिंदा रहे। इसी बात को कहकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। परम सम्माननीय हमारे महाविद्यालय से सेवानिवृत्त अंग्रेजी के प्रोफेसर आरपी गर्ग साहब जनरल कैप्टन शमशेर खान साहब मोहतरमा मैडम खान जी मेरे मित्र मामा साहब और इस सदन में जितने भी लोग विराजमान हैं उन सभी के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करते हुए आपसे बोलने की अनुमति चाहूंगा।
मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं जहां भी जाता हूं मैं अपने इस टोंक शहर की जो खूबियां हैं उसके बारे में जरूर बयान करूंगा। और मैं सबसे पहले इस चीज को कहूंगा कि आप जैन साहब ने भी वो भी प्रयास किया हमारे यहाँ पर राजस्थान में केवल दो ही कॉलेज ऐसे हैं, एक टोंक कॉलेज है और एक अजमेर कॉलेज है जिसमें सबसे अधिक पांच भाषाएं पढ़ाई जाती है। राजस्थान के कोई कॉलेज ऐसे नहीं है जिनमें पांच भाषाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन उनमें से मेरा एक टोंक शहर है जिसमें भी पांच भाषाएं पढ़ाई जाती है और उन पांचों भाषाओं के एक एक प्रवक्ता इस सभा में अभी विद्यमान थे। उनमें से हमारे परिषद के सोलह साहब चले गए हैं, अंग्रेजी का प्रतिनिधित्व माननीय गर्ग साहब कर रहे हैं, संस्कृत का विद्यार्थी राव साथ ही मेरे पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर जी विद्यमान है, उर्दू से हमारे टॉप पुलिस के भाई डॉक्टर कजोड़ा जी यहाँ विद्यमान है और हिंदी से अभी यहाँ जो चली गई समय के अभाव के कारण डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी और साथ ही यहाँ पर पुलिस से आए हुए डॉक्टर पी एम प्रो। तो पांच पांच भाषाएं हमारे इस शहर में पढ़ाई जाती है, ये मैं बड़े फख्र के साथ में सब जगह कहता हूँ। और ये नहीं, हमारे यहाँ पर अरबी और फारसी का रिसर्च सेंटर इस बात को मैं बड़े उसके साथ में कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारा शहर सदा से बड़ी पढ़ने लिखने वाला शहर रहा। वैसे मैं संस्कृत का विद्यार्थी और सूफी परंपरा का निर्वाहक सुनता जाता हूँ, लेखन के प्रति मेरी बहुत अधिक रुचि नहीं है ये कहते मुझे मैं किसी प्रकार का भूल नहीं। ये पुस्तक जिस दिन पांडुलिपि के रूप में विद्यमान थी उस दिन मैं नामा साहब के घर आया हुआ था, तो ये पुस्तक उस समय में इन्होंने लिपिबद्ध करके और मुझे भी इसके लिए कहा था कि आप इस लिपि को ठीक करें, लेकिन मैं उसे इस तरह का मेरा एड्रेस नहीं इसलिए मैं कार्य नहीं कर सकता। साथ ही जैन साहब सभी ने बताया कि एबीएससी के लेक्चर रहे हैं, इन्होंने एबीएससी के लेक्चर होते हुए मुझे फिर भी साइंस की कुछ चीजें उसमें से ज्यादा तो नहीं मुझे इनकम टैक्स के हिसाब किताब करना भी सिखा दिया, लेकिन मैं संस्कृत भाषा का होके इनको बहुत अधिक कुछ नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आज जैन साहब की निरंतर इतनी रुचि है कि वो सभी प्रकार के लेखन का कार्य। अब मैं मूलतः वापस अपने इस विषय पर आ जाऊंगा जिसके बारे में इन्होंने कश्मीर के ऊपर लिखा है। जब मैं विद्यालय स्तर पर पढ़ता था तब मैंने समय में धरती का स्वर कश्मीर ये पाठ पढ़ा था और वो धरती का कश्मीर मेरे मानस पटल पर विद्यालय स्तर पर मैं पढ़ता था वो मेरे मानस पटल। लेकिन धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, मैं भी अवस्था के जैसे बड़ा हुआ और बड़ा होते होते धीरे धीरे एक ऐसा समय भी हमारे यहाँ पर आया जब हमारा उत्तरी भारत पंजाब कश्मीर निरंतर और वो मेरा भारत वर्ष जिसमें सदियों तक मैं बहुत अधिक प्रभु नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी लगभग हमारे यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी तक जो लेखन कार्य हुआ वो लेखन कार्य अधिक से अधिक संस्कृत भाषा में, क्योंकि 11वीं शताब्दी से पूर्व हमारे यहाँ पर नहीं तो भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ था और नहीं उर्दू का विकास हुआ। मेरी इस बात से शायद हमारे सभी साहित्य प्रेमी भी सहमत होंगे कि 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले न हिंदी और न उर्दू दोनों ही भाषाओं का हमारे यहाँ पर विकास नहीं हुआ, लेकिन सबसे अधिक उस समय तक संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी और हमारे यहाँ पर लगभग जितने संस्कृत साहित्य हैं उन समस्त संस्कृत साहित्य अधिक से अधिक 25-30% साहित्य संस्कृत के वो कश्मीर में सबसे अधिक नाम उसका कश्मीर में। उस समय से लेकर कश्मीर के प्रति मेरी जो छवि थी लेकिन धीरे धीरे बदलती गई और निरंतर कश्मीर के ऊपर कई सारे फिल्में बनी कश्मीर की कही गई और अभी लेटेस्ट जो सबसे अधिक चर्चित में रही वो रही कश्मीर टाइम्स, वो भी मैंने देखी सब कुछ देखा जैन साहब को भी मैंने सुना। जैन साहब ने संस्कृत के बारे में जो पूर्व लिखता देते कलन इस सबको भी उन्होंने नोट करके अपनी बात रखी, लेकिन मैं थोड़ा चाहूंगा कि और संस्कृत साहित्य जो कश्मीर में लिखा गया उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपने पक्ष रखा नहीं रख पाए या हो सकता है आने वाले समय में रखेंगे। मैं चाहूंगा कि वहां पर और भी जो साहित्य रचना की गई उस हमारे यहाँ पर
मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। दर्शन में जो शैव दर्शन के नाम से प्रचलित है वो शैव दर्शन सबसे अधिक हमारे यहाँ कश्मीर में प्रचलित किया और उसको कश्मीर शैव दर्शन के नाम से जानते हैं। उस कश्मीर शैव दर्शन की एक जीती जाती तस्वीर एक साल में शुरू में रखी। उस समय का जो वहां का राजा था वो जब चलता था उसके पीछे जीत करते थे, वो भी एक उसी शैव परंपरा का एक उदाहरण हमारे सामने इन्होंने। इस प्रकार के वहां की शैव परंपरा के और कई सारे कुछ हमारे सकारात्मक पक्ष भी हैं जैसा आपने इसमें रखे होंगे। अभी तक मैंने आज पुस्तक नहीं पढ़ी है, अब पढ़ूंगा। इससे पहले भी उन्होंने सांप्रदायिक तत्व पुस्तक लिखी। साथ ही मैं जैसा कि कहा किसी भी शासक का कार्य ये नहीं है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ऐसा प्रचलन चला आ रहा है और धर्म के सहारे से ही हमारा शासन निरंतर चल रहा है। तो जैसा कहा हमने गांधी जी का अध्याय है, गांधी जी का अध्याय है और इस देश दुनिया किसी की भी कोई भी समस्याएं किसी भी इस प्रकार से कभी भी न सुलट पाई न सुलझेगी। अंत में दो पंक्तियों के साथ में अपनी बात रखना चाहूंगा। सत्य अहिंसा शांति प्रेम से दया क्षमा और परम का मानवता जब विकसित होगी तब होगा उत्तम संसार, तब होगा। क्योंकि जिस मानवता का पालन कर रहे हैं उससे जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं ये मानवता कभी भी जीतने वाली नहीं है। हमें सत्य अहिंसा और शांति को अपने व्यवहार में अपनाना होगा, तभी जाकर ये हमारी मानवता निरंतर कायम रहेगी। ऐसा ही मैं समझता हूँ कि जैसा कभी प्रयास रहा कि उन्होंने अपनी सांप्रदायिकता और ये तस्वीर पुस्तकें की है वो हमारी मानवता को निरंतर बचाए रखने का एक प्रयास होगा। जय जय। उर्दू के लोग भी अगर उर्दू में इस किताब को पढ़ेंगे तो जरूर हमारी
जमहूरी कदरें हैं उनमें इजाफा होगा और जो जमहूरियत और सेकुलरिज्म को आज गाली की शक्ल में देख रहे हैं वो गाली की शक्ल में नहीं देखेंगे बल्कि इंसानी हकूक का सरमाया के सामने आया। मैंने इस किताब को जिस नजरिए से उर्दू में सोचा वो ये है कि कश्मीर जो है वो तो खुद ही एक समस्या है, एक सवाल है, एक मसला, इस पर क्या सवाल किया जाए। लेकिन हम खासतौर पर जिस पर गैर साहब ने इशारा किया है कश्मीर फहमो इदराक और हकीकत का है, उसको हम उर्दू में लिख सकते हैं फहमो इदराक और हकीकत के आईने में, और फहम दो तरह के होते हैं, गलत फहम भी होते हैं और सही फहम भी होते हैं। तो कश्मीर को आप कैसे समझते हैं, मिथक क्या क्या हैं, उनमें सच्चाइयाँ क्या हैं और उनमें बुराइयाँ क्या हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज पर गलत असर डाल रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम इस किताब को देखेंगे। जो मशवरे दूसरे मशवरे लिए आए हैं दूसरा इसका हिस्सा भी शायद हो जाए सकती यकीन, जब तक हम इसका दूसरा हिस्सा किसी जैन साहब से नहीं लिखवा लेंगे उस वक्त तक कश्मीर क्या है इसके बारे में और हमारा समाज कश्मीर को क्या समझता है, हमारी कौमें क्या समझती हैं, मुल्क और बैन अवी तौर पर कश्मीर का क्या मसला है, इन समस्याओं का हो जाएगा। और मेरी गुजारिश ये है कि इसमें हम सियासी पहलू को न लें, राजनीति को न लें, बल्कि हम समाज को, माशरे को और इंसानियत के हकूक को और हिंदू मुस्लिम एकता को और जमहूरियत को ही मद्देनजर रखते हुए कश्मीर पर बात करें। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह से दूसरे और भी सूबे थे, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जो हिंदुस्तान में शामिल हो गए, कश्मीर क्यों नहीं हुआ, वो किस शर्तों पर हुआ, कश्मीर के दो हिस्से कैसे हुए, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर हिंदू और मुसलमान तहजीब का आईना है, स्वर्ग है, जन्नत है। मुसलमान उसको जन्नत कहते हैं और हम हिंदी उसको स्वर्ग कहते हैं, तो वो स्वर्ग ही रहेगा, स्वर्ग है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो हिंदुस्तान का अभिभंग रहेगा, ये मेरा। नेकी साहब का भी किया था आपने, नेकी साहब की किताब आप मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं और मैंने इतना जरूर सोचा था कि जैसा कि इस किताब में एक बहुत तवील मजमून लिखूं और इसमें के उदाहरण जितने भी हैं वो भी मैं शामिल करूँ उर्दू में, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं समझता हूँ कि वो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। बात कर रहे हैं और सेहत का ख्याल रखते हुए आप मेरी सेहत का ख्याल रखें और जेल साहब से भी गुजारिश है कि मैं जरूर इसका तर्जुमा इंशाअल्लाह करूँगा। मुझे बहुत मानसिक रूप से ठीक है, मैं साथ ही साथ से कहता है
आपको फोन भी कर दिया था, मुझे नहीं गया है। इससे पहले भी हमारे जेल में एक किताब लिखी थी संप्रदाय, उसको पढ़ने की ये एहसास भी अंदाजा हो गया था कि रिसर्च कहते किसको हैं, उसका पूरा पूरा हक अदा करने का जो सलाहियत है वो हमारे जेल सामने है। वो काम भी बहुत काबिल तारीफ था। उस पर अपनी राय देते हुए हमारे प्रोफेसर गर्ग साहब ने ये रिकमेंड किया था कि उनकी आने वाली किताब जो कश्मीर पर है उसको आप जरूर पढ़ें। अब जेम साहब ने मुझे वो किताब हिदायत फरमाई, काफी करीब है, उसको मैंने सबसे जोर से पढ़ा और वाकई उसमें पहले से ज्यादा अच्छी तहरीर मुझे मिली। निष्पक्ष होकर किसी चीज का एनालिसिस करना और पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात कहना, ये तहरीर का विषय का काम होता है। और मुझे इस बात की फसल से मुतासर है क्योंकि मैंने पूरी किताब से वरक वरक नहीं पढ़ी है, चैप्टर वगैरह देखे, उनसे ज्यादा की सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी कि देखिए कैसे करने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने जो कुछ भी वो लिख रहा है उसके सबूत के तौर पर रेफरेंस दे पुख्ता, तो एनेक्सस जो उन्होंने बाद में किताब में जोड़े हैं क्योंकि वो इनकी अपनी लैंग्वेज पे नहीं, वो डायरेक्ट रिकॉर्ड से लिए हुए हैं, तो ऐसे पुख्ता सबूत हैं अपनी बात के हम उसे डायरेक्ट के मान सकते हैं। अब किस चीज को सही है एक बात, दूसरी बात ये है अगर जैन साहब ने लड़ाई का हिस्ट्री से ही शुरू किया होता वो भी बात तो मिल जाती, किताब तो उस पर हो जाती क्योंकि यहाँ से मुसलमानों ने वहाँ पर हुकूमत शुरू की ऐसी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल शुरू से प्राचीन जमाने की हिस्ट्री से शुरू करके और इस किताब को एक ऐसी मुकम्मल दस्तावेज बना लिया है कि उसकी तारीख जितना हम कहें वो कम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जैन साहब को कि आप दूसरे कॉमर्स से ताल्लुक रखते हैं लेकिन हिस्ट्री में इनको इनको जितना ज़्यादा शौक है लॉस है और तहकीक करने का यानी कि रिसर्च का जो एक मार्दा इनके अंदर है बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और किसी भी लोग हैं किताबों पर लोग निर्भर करके उनमें से जमा करके लिख लिया करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के अंदर उतरना वाकया अंदर उतरना सच्चाई को बिल्कुल सामने लेके आना और दोनों पक्षों को सामने रखना, ये इसमें मेहनत लगती है, दिमाग भी लगता है, लेकिन जैन साहब को कुदरत ने ये खूबी अता की है। आज इनकी किताब का जो इजरा हुआ इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इनके इसी तरह के कामों से इस्तेफादा करते रहेंगे। ये उनकी व्यवस्था है
किसी औपचारिक का नहीं पंचवे साहब हमारे बीच में रहते हैं बहुत करीब रहे हैं प्लीज आएगा अपनी बात कहें प्लीज और सभी उपस्थित महानुभाव
मोमबत्ती देखाने जैसी दृष्टता है मृतक है, क्योंकि ये सब मेरे गुजर रहे हैं और मेरे को फक्र है कि मैं इन लोगों से पढ़ा हूँ। उस दौर में मैंने 80 और 90 के दशक में जब मैं टॉप कॉलेज में पढ़ता था तो प्रोफेसर गर्ग साहब हमारे गुरु जी थे, और उस दौर की ये विशेषता थी कि वो कॉलेज उस समय गोल्डन युग था कि हम जिस भी पुस्तक को पढ़ते थे उसके राइटर मेरे कॉलेज के वही लेखक। अंग्रेजी में प्रोफेसर आर एन मालेश्वरी साहब पढ़ाते थे और गर्ग साहब की भी पुस्तक चलती थी। इसके अंदर प्रोफेसर पी सी पांडे साहब, बी एस भार्गव और एस सी पालेवाल, उनसे मुझे पढ़ने का मौका मिला। वो इसी कॉलेज में कार्यरत थे। संस्कृत के अंदर एस के ओझा साहब थे, उनकी किताब यही चलती। हिंदी के अंदर प्रोफेसर वो क्या कहते हैं कैसन पारिक साहब और पारिक साहब, जहाँ तक कैसन पारिक साहब। पॉलिटिकल साइंस में मैंने एम ए किया तो उसकी किताब की बुक प्रोफेसर गुप्तचंद मिसाली ने पढ़ा था, और अंग्रेजी में उसमें विज्ञान में भी नामा साहब की, आजम साहब की, निर्माण साहब की किताबें चलती थी। उस कॉलेज से पढ़ के मैं यहाँ तक के अदना साहब रखती हूँ। मैं उस समय पढ़ता था जब प्रोफेसर गर्ग साहब हमारे गुरु जी थे, उस दौर में इनके जिस समय साहित्य कारोबी लेखकों की बम्फर पैदावार था, उस दौर में आपके राजस्थान पत्रिका इतवारी पत्रिका उस समय पेपर था, उसमें इनके लेख छपते थे, छोटा मोटा लेख थे, पूरा कवर पेज छपता था। मैं इनको आदर्श भी मानता हूँ, इसमें आज मैं लेखक हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन हम एक दिन की किताब एक खबर लिखते हैं उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि देखते हैं कि यार इसमें कुछ गया तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं गया, क्योंकि हम एक इतिहास बनाते हैं। और प्रोफेसर गुरु जी ने किसी हिसाब में जो किताब लिखी उस किताब को लिखना कोई छोटी बहुत बात नहीं है। इन्होंने इन ऐसे विषय पर लिखा जो आज सबसे ज़्यादा ज्वलंत है और पूरी दुनिया में है। मैंने अभी पढ़ी नहीं है लेकिन गुरु जी ने लिखा है तो उसमें अच्छा लिखा होगा, और मैं तो जैसा इनका नाम है जो प्रकाश है जो अंधेरे में उतारने का काम करता है, तो ये इनके लिए होगी। मैं इनको हृदय से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी किताब हम सब लोगों के लिए ये रहे। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिए उसके लिए हमारे प्रोफेसर अशोक जी सर सक्सेसर साहब को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। साहित्य को, इतिहास को, और तो हमारी लोक कलाएं हैं,
सारे और मैं उसके लिए एडिट पास करके संपादक मंडल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनकी भूमिका इसी प्रकार बनी रहेगी। अब ये जो प्रश्न वाली बात है सही चला था जी, समझे साहब दो मिनट और मुझे बताया कि अच्छा रहा कि प्रश्न की जहाँ तक बात है तो ये प्रश्न खुद इतना चुनौतीपूर्ण है जैसे सागर मंथन पर कोई प्रश्न है, असीमित प्रश्न है और असीमित उत्तर है, तो ये तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता कि इसके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा करे। तो मुझे चाय का शेर की आराध आ रहा है, उसी के साथ में अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ये विषय इतना खेला हुआ है जिसको समेटना बहुत मुश्किल था। कहते हैं कि हाल अंदर साफ ही की है कि मिली है शबनम इसके लेकिन जो शीर्षक है उत्तर का हाल अंदर साफ ही की है कि मिली है शबनम और हाल अंदर कृष्ण लगी है कि समंदर में यही पुराने को वो गलत है। उनके लेखन की ईमानदारी है कि वो कितने ज्यादा कमिटेड हैं अपने लेखन के प्रति या उस सोच के प्रति की चीज बाहर जाएगी तो सही जाएगी, तो इसके लिए तो हम माफी का शुक्रिया है अदा करते हैं। अभी आपसे मैंने इजाजत ली है हमारे बीच के बारे में मैं बहुत सुनती रही
क्वेश्चन मार्क रह रहा है कि नाउ आने वाली जो हमारी ये जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन पॉलिटिकल पॉलिटिकली जो हमारे अंदर एक जहर सा दिमागों के अंदर लोगों ने भर दिया गया है, उस जहर को कैसे काटा जाए? और पॉलिटिक्स अपना काम करती है, शासक अपना काम करता है, मगर एक सही दिशा देने का जो काम समाज को करता है वो साहित्य का। आप सबको और मुझे भी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस दिशा में कैसे और आगे प्रोग्रेसिव हो, क्योंकि टॉम जो है ये साहित्य से बहुत मतलब आई थिंक बहुत इयर्स एंड इयर्स दौर से जुड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म आज आपको मिला है, एक गलत बात, इसको और आगे हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, ये हम सभी लोगों का भविष्य मन रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की नॉलेज में ये बात आए कि अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन में भी ये ऊंचे साहित्यकार बैठे हैं और उनको सुनना और उनको जानना बहुत जरूरी है और उनको समझना बहुत जरूरी है। और आने वाली नस्लें इस फाउंडेशन और यहाँ के तमाम साहित्यकारों को याद रखे, ये पाठक की यही पहचान होती है जैसा कि साथी साथी। अब आपके से कोई और कोई सवाल देखे मन पर बैठो प्लीज आए, मैं ज्यादा नाम से परिचित नहीं हूँ इसलिए आवाज नहीं दे पा रहा, आप आए प्लीज। डीके शर्मा साहब और फ्रंट में से भी लेवा साथ में से खड़े होंगे आज एक मुद्दा मैंने देखा तो नहीं मीटिंग में बैठे लाइन टू लाइन Gracias.
सारे मंच और यहाँ सुधी कर किताब से सत्य सच्चाई यही इस किताब का थीम है। किसी मकसद को प्रोपोगेट करना ये इस किताब का मकसद नहीं है। आजकल के जमाने में ये बड़ी चीज है क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं कि बड़ा बुरा प्रचार चल रहा है और मकसद उस प्रचार का ही और सत्ता बनी है। तो ऐसे माहौल में जैसे भी मैडम ने कहा कि आगे क्या किया जाए, क्या हल है, जितना जहर दिमागों में भर गया है
सत्य वही है जिसका प्रचार हो चुका है। दो और दो सत्य नहीं है, अगर दो दो पांच आपने प्रचार कर दिया जनता के दिमागों में बिठा दिया, आपको दिमागों में कैसे भी बिठाए आप टीवी चैनल से बिठाएं या व्हाट्सएप से बिठाएं, कैसे भी बिठाए अगर वो बिठा दिया तो उसको तो पांच होंगे बुद्धिजीवी किताब के लेखक वगैरह भारत में बहुत कम है और उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। एक लेखक 10 साल की कोई किताब लिखता है और वो अपने मित्रों को बांटता है कि भाई खड़े जगह कोई नहीं तो और कहता है कि आप पढ़ सकते मुझे अपने विचार बताना, और मैंने जो मैंने बात कर उनके घरों पे जाता है, कोई कहता है साहब तो क्या है कि मेरी तबीयत इन दिनों में ठीक नहीं थी, बेहद में पढ़ नहीं पाया, कोई कहता है कि शादियाँ चल रही थी तो मैं उधर बिजी हो गया, कोई कोई क्या कहता है, कोई पढ़ता नहीं। पढ़ते क्या है व्हाट्सएप या जो वीडियो सुन लिया और व्हाट्सएप में 5-6 लाइन में सारी बात आ गई कश्मीर के इतिहास आ गए और वो इतना अभिमान पैदा हो जाता है व्हाट्सएप पढ़ करके एक अनपढ़ आदमी में भी कि वो जैसा सिर्फ बहस कर लेगा कश्मीर के इतिहास पर, पढ़ा है उसने 5 लाइन तो ये एक माहौल चल रहा है, प्रचार युद्ध चल रहा है और ये माना जा रहा है कि पब्लिक जो मान लेगी वही सत्य है, तो पब्लिक को तो कुछ भी मनवा एक ऐसे देश में जहाँ कोई किताब पढ़ता ही नहीं पब्लिक को कुछ भी मनवा, पश्चिम के देशों में लेखक और पुस्तक क्रांतियाँ कर देते हैं और भारत में लेखक को कोई जानता ही नहीं और पुस्तक तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी एक कब्रिस्तान है किताबों का जहाँ किताबें दफन हो गई होनी चाहिए। तो ये इस हालत में हमको देखना है कि भाई ये क्या किया जाए। अब ये जो पुस्तक जैन साहब ने लिखी मैं तो चाहूँगा कि हर व्यक्ति इसको पढ़े और अपने अपने मित्रों को भी आप कहें कि भाई इसको पढ़ो और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे दक्षिणी भारत में तो पढ़ने पढ़ा ही नहीं, थोड़ी सी कल्चर है तमिलनाडु में केरल में थोड़ी बहुत कर्नाटक में बंगाल में वहाँ तो कल्चर है, लेकिन ये जो हमारी हिंदी बेल्ट के ऊपर नॉर्थ में यहाँ पुस्तक का कोई मुकदमी नहीं, कोई नहीं पढ़ता। इंजीनियर और डॉक्टर की अपनी डिग्री लेने के बाद किताबें नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल अपने विषय की भी नहीं पढ़ते, डॉक्टर भी दरवाजे पर नींबू मिर्ची रखता था और इंजीनियर भी बहुत बड़ा खुल गया भवन बनाने के बाद एक काला मटका एक काला टायर लटका दे रहा है ताकि नजर नहीं लगे, तो ये उत्तरी भारत की हालत है। तो मैं तो उन सब चीज़ों से बड़ा निराश हूँ। जैन साहब की जो पुस्तक है इन्होंने 100-150 पुस्तकों को पढ़ा है, अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स बाजार में मिल गई और उनमें से उद्धरण लिए हैं और अपनी एक एक बात को पुष्ट किया है। तो अगर हम सारी किताबों को पढ़ें तो हमारी जिंदगी तो बहुत छोटी नहीं पढ़ पाएंगे, तो अच्छा है कि सारी जो मेहनत है वो इन्होंने करी और अब हमको एक 400-500 पेज की किताब सामने रखी, तो इतना तो हमको करना ही पड़ेगा भाई। हजारों मक्खियाँ एक शहर के छाते में होती है और वो एक एक मक्खी हजारों चक्कर फूलों के रोज हो जाती है,
का जो इस्लाम है आज की तारीख तक भी इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, उसमें भाईचारा है। अब प्रचार कुछ भी हो हम उसको महत्व नहीं देते। कश्मीर बाकी भारत में जो भी सामुदायिक समस्याएं पैदा होती है गंदे पदार्थ होते हैं, कश्मीर पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। और अभी 20 साल पहले तक तो कश्मीर में हम छुट्टी ही बिताया करते थे, इतना शांति प्रिय स्थान था, फिर ये सब क्या हुआ। और कल्लण की राजस्थानी के बारे में जैन साहब ने पहला चैप्टर उसको बताया, भारत में इतिहास कभी लिखा नहीं गया, कहानी किसे कपोड़े लिखे गए, इतिहास भारत में लिखा ही नहीं गया पुराने भारत। कल्लण ने जब पहली बार और वो भी आधी किताब जो उत्तराध है उसमें हिस्ट्री मिलती है उसके पहले तो वो भी ऐसा ही माइथोलॉजी चलती है। तो श्री हर्ष नामा के राजा दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में कश्मीर में था श्री हर्ष, कल्लण ने लिखा है साफ साफ बहुत दुष्चरित्र था, विलासी था, बहुत से युद्ध करवाए, बहुत अत्याचार करवाए, खजाना हमेशा खाली रहता था इन चीज़ों की वजह से, और खजाना कैसे भरता था कश्मीर के मंदिरों को लूट के, मंदिरों को तोड़ के, उसमें आप देखते मंदिरों में सोना चांदी धन संपत्ति बहुत छिपी रहती है, तो उस सारे को निकाल कर खजाना लूटना और वो कोई मूर्तियाँ अगर किसी धातु की हो तो धातु को पिघला करके धातु निकाल, तो वो एक मंदिर अलग नियुक्त कर रहा था हर्ष में जो ये काम करता था, और उस मंत्री का जो पोर्टफोलियो था उसका नाम था देवोत्पाटन नायक, यानी देव मंदिरों को तोड़ करके लूटने वाला, ये इसका अर्थ था। बकायदा मंदिर था और एक हिंदू राजा, बहुत से लोग दक्षिण में भी मराठों में करते थे बागार में, और श्रीरंगपट्टनम मंदिर था उसको कई बार तोड़ा और टीपू सुल्तान ने कई बार वापस मरम्मत कर, तो ये सब चीज़ें इतिहास में हैं। लेकिन अभी तो जो तूफान मचा हुआ है और दूसरे किसी तरह हुआ है, गांधी जी कहते थे कि भारत का हर राजा छसोरिया से तो भारत में उस भारत में थी जिसमें जो ब्रिटिश रूल से डायरेक्ट शासन थी और बाकी छसोरिया से करीब और भारत सूर्या लगातार युद्ध हो रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत का राजा हिटलर से कम नहीं है, बहुत ताकत था, जिसको चाहता है मार डालता है, जिसको चाहता है हाथी के पैर के नीचे करवा दो, कोई प्लान नहीं कर पाया। तो ऐसा ही कश्मीर में भी रहा, डोगरा शासक जो लेटेस्ट जो वंशावली है डोगरा, ये बेगार प्रथा चलती थी, बेगार के नाम गरीब पकड़ा जाता था, बेगार दौड़ाते थे। उस जमाने में जो जमींदार थे खेतों के मालिक थे वो कौन थे, कश्मीर में राजपूत ब्राह्मण जिनको आजकल पंडित कश्मीरी पंडित पंजाबी थे, और जो मजदूर थे जो गरीब थे वो थे मुसलमान, और उनका बड़ा भारी शोषण ये डोगरा शासक करते थे, सारी नौकरियां सारे ऊंचे पद इन्हीं के पास थे, और जो कश्मीरी मुसलमान था वो तो एक तरह से पेट भरना भी मुश्किल काम था। और ये जो लोग थे पंडित और राजपूत और डोगरा, ये जम्मू में रहते थे, जम्मू को ही अपना घर मानते थे और कश्मीर की घाटी को
पहले उनको जो पटेल का नाम पटेल का है भाई, नरेंद्र जी सब कुछ थे, प्रधानमंत्री तो वही थे। तो ये जो एकीकरण किया गया, ये तीन शर्तों पर किया गया, विदेश नीति, सुरक्षा और संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था नहीं डाक व्यवस्था, ये केंद्र के पास रहेगी, बाकी तुम लोग आजाद हो कुछ भी करो। इन्हीं शर्तों पर कश्मीरी नहीं पूरे भारत की रियासत को पटेल ने ऊपर दिया था, तो किसी को इतराज नहीं था। इससे छोटी छोटी रियासतें विदेश नीति कर रहे तो सब, लेकिन कश्मीर का राजा जो हरी सिंह था उसके सबसे दूसरे थे स्वतंत्र कश्मीर चाहता था, वो भारत ने पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर स्वतंत्र हो उसकी उम्मीद ये थी कि हम तो कश्मीर की सीमाएं रूस और चीन से भी मिलती है तो उनसे संबंध रखेंगे, है ना, हम भारत भारत से भी कोई मतलब नहीं। तो हरी सिंह कभी नहीं चाहते थे संविधान सभा बनी, पार्लियामेंट लोकसभा के बाद संविधान सभा जो कर रही थी, ऑफर दिया गया हरी सिंह को कि आप इसके मेंबर बनिए। अरे नहीं ना, मैं तुम्हारी संविधान सभा का मेंबर नहीं, मेरा कश्मीर अलग है। चलो सब, तो कश्मीर को वो इधर पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे कि दुनिया भर के पर्यटक आए और इनकम हमारी इससे। लेकिन वही जो हरि सिंह है, जब कबायलियों का हमला हुआ तो इतने डर गए कि बात करके रातों रात भागे और जम्मू में चले गए, और जम्मू में भी कह दिया उन्होंने कि भाई मैंने आदमी भेज रखा है कि जल्दी से जल्दी भारत में मिले पे दस्तखत करवा दो, और अगर वो आदमी जब तक कागज लेके वापस नहीं आए दिल्ली से और कबायली इधर बढ़ जाए जम्मू की तरफ तो मेरे गोली मार दें, ताकि देखो वो मुझे कैद करके हो गई आपका। तो बंदूक उनको भेजी थी, नौकरों को गोली मार देना शुरू, यह हालत थी उनकी भयभीत होने की। और वो चुपचाप पाकिस्तान से भी बातचीत करते रहते थे, और मंशा ये थी कि अगर पाकिस्तान उनको पूरी आज़ादी दे तो हम पाकिस्तान को दें, क्यों ये सारी हरी सिंह की नीतियाँ थी, ये समझने की बात है। शेख अब्दुल्ला उस समय आधुनिक शिक्षा प्राप्त, राष्ट्रीय चेतना से भरपूर और लिबरल डेमोक्रेसी, आज़ाद ख्याली और जमहूरियत इनकी फॉलो, और सोशलिस्ट उनको धर्म वर्म से ज़्यादा मतलब नहीं था, सोशलिस्ट समाजवादी थे, सामंतवाद के खिलाफ थे, और उस समय कश्मीर में सामंतवादी था कि सारी ज़मीनों पे ब्राह्मणों पंडितों और लोगों का कब्जा था, तो वो समाजवाद चाहते थे कि भाई भूमि उसकी है जो थे। तो ये बात में भारत में भी कृषि सुधार हो गए, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने सबसे पहले ये कश्मीर भी किया। तो शेख अब्दुल्ला की मैं आपको उनकी शख्सियत के उनकी जो थॉट्स हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सेक्युलर आदमी थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, वैज्ञानिक सोच के आदमी थे, तो बेचारे दोनों तरफ चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ तो जो कट्टर मुसलमान थे वो कहते थे कि ये शेख को हिंदुओं का गद्दार है, और दूसरी तरफ जो समुदाय हिंदू थे वो कहते
चाहते थे कि हम उसको जूनागढ़ लेंगे, हैदराबाद लेंगे, हमको कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं और कश्मीर हमेशा सरदर्द रहेगा, लिहाजा कश्मीर की बात मुझसे करो ही मत, इतना कम स्टेटमेंट कहते थे। मेरे पास कश्मीर के लिए टाइम नहीं है, इसके बारे में बात मत करो। तो और जो महाराजा ने कहा कबाइलों के हमले को बड़ी जल्दी से भी इंडिया में मिलवा तो नहीं मारे जाएंगे, तब भी पटेल ने कहा कि हम कश्मीर में ठान लगाना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान में मिलना चाहे तो मिल सकता है। ये ऑथेंटिक बात है, ये आपको 50 इतिहास की किताबों में बताई जा सकती है, अभी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं, 50 किताबों में सिर्फ नेहरू चाहते थे कि कश्मीर की धरती भारत में मिली। बार बार उन दिनों में 47 से लेकर 53 तक 7 उसमें ये माहौल था कि अगर जनमत संग्रह भी कराया जाए प्लेबिसाइट सब लोगों से राय शुमारी तो भी भारत के ही पक्ष में जाएगा। क्यों? शेख अब्दुल्ला जो वहाँ का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है वो भारत के साथ है और वो कहेगा जब तक उधर ही होगी उत्तर 1953 तक अमेरिका के राजदूत चेस्टर बाउंस ने अपनी किताब में लिखा है कि 1953 के पहले पहले अगर जन्म संग्रह भी होता तो भारत कामयाब होता, भारत ही मिलता। और इसीलिए भारत ने बार बार कहा कि भाई कश्मीर की राजशुमारी करो और जिना साहब पाकिस्तान के हुक्मरान मना करते रहे कि तब हम राजशुमारी नहीं करें। यहाँ तक कि ये प्रस्ताव भी आगे आया कि भाई दिल्ली तो पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान को दे दो, जम्मू और लद्दाख ये भारत को दे दो और बाकी निजी घाटी कश्मीर घाटी उसमें राज्यपाल कर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव भी है, अगर विस्तार से आप काम करो तो वहाँ का प्रस्ताव भी है, लेकिन पाकिस्तान ने उससे भी मना कर दिया, वो तो जन्मांतर के नाम से करता है। ये तो आज कहा जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि साहब नेहरू जी ने जन्मांतर संघ का बड़ा किया, नहीं तो कोई समस्या ही नहीं होती वगैरह वगैरह। तो वो उन चीज़ों की मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। आप कहते हैं कि आप 370 समझना चाहिए लोगों को, धारा 370 के साथ एक धारा 371 भी है और ये 370 डोगरा राजाओं के जमाने से 35A डोगरा राजाओं के जमाने से चला रहा है और बाद में अंग्रेज सरकार ने भी उसको रखा, भारत सरकार ने भी उसको रखा। और इसमें क्या था, जो इसमें था 370 में वो नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल उत्तराखंड हिमाचल इन सब में नहीं था। आप आज भी अगर चाहो ना नागालैंड त्रिपुरा में जाके जमीन खरीदना तो आपको इजाजत दी वहाँ नहीं कर सकते। और इसके पीछे होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले इलाके हैं और जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगर भीड़ बढ़ जाएगी तो बर्बाद हो जाएंगे, इसके पीछे यही था। तो उन सब राज्यों में था, कश्मीर में भी था। और 370 में शुरू में तो ये था कि कोई जो आपके डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी और सिक्का और संचार, इसके अलावा हर राज्य स्वतंत्र है, तो कश्मीर के साथ भी जो विलय किया गया इसी शर्त में किया गया। अब तरीका ये है
पूरे रियासत बनाया जाने की भारत का राष्ट्रपति बनाया था, इमरजेंसी कश्मीर में लागू नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भारत में है, कश्मीर में दूसरा सुप्रीम कोर्ट होगा वगैरह, जैसी बहुत सी बातें थी, वजीर आजम कहलाए प्रधानमंत्री, ये सब था। लेकिन 1958 तक आते आते सभी ये चीज़ें अपनी कश्मीर के लोगों ने अपनी इच्छा से इन सबको कदम कर लिया। कितनी बड़ी चीज है कश्मीर के लोगों की, कितनी बड़ी, कितना बड़ा विश्वास था भारत पर, कितना बड़ा ट्रस्ट था। अगर उनको ये पता होता कि आगे क्या है तो ऐसा नहीं होता। तो ये 35 ए भी पहले था और डोगरा काल के टाइम से चल रहा था। और एक बात और आपको बता दूं कि उस समय ये बीजेपी तो नहीं गिर गई, जनसंघ था, नया नया बना था। तो जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक और जनसंघ से हमदर्दी रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों ने भी 370 का पूरा सपोर्ट किया और 35A का पूरा सपोर्ट किया। और ये चाहते थे कि सिर्फ लद्दाख और जम्मू ही हमको भारत को दे दो, सारा कश्मीर पाकिस्तान को ही दे दो। इस बात के लिखित प्रमाण है, आप जैसे कोई कहे तो मैं भी किताबें लाया नहीं, बलराज मधोक की बता दूंगा आपको, वो पहले प्रेसिडेंट थे जब से। तो ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ें हमें जैसे भी मैडम ने भी कहा और दूसरे अध्ययन ने भी कहा कि ये सब चीज़ें तो माजी की है, अब क्या करें उस पर भी नहीं। तो अब दिशा निर्देश के लिए है ना, दिशा निर्देश कि भाई आगे क्या करें। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे तभी आगे का रास्ता सूझेगा। और अगर हम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते रहे तो आगे का रास्ता नहीं सूझेगा। मारकाट बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, अलगाववाद बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव में ही वर्तमान सत्ता को फायदा है, इसलिए तनाव बढ़ेगा। और ये तो मुझे सबको संक्षेप में कहना था जो मैंने कहा कश्मीर के बारे में। सर एक मिनट, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है अभी, एक मिनट की बात है, जहाँ तक ये सर्वधर्मांश की बात है, तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ की बैठकों में आपको खूब आना चाहिए। यहाँ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, विचार विनिमय होता है, नसव भूलि यस्य मतिर् भिन्नम्, सबकी मति भिन्न भिन्न होती है, वो भूलि है नहीं जिसकी मति भिन्न न हो, ये हमारे प्राचीन शास्त्र में कहा गया है। अलग अलग ओपिनियन है, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन एक्सचेंज करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ कहा है कि इल्म की तलाश में अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो चीन तो दूर है लेकिन यहाँ चंद सरोकार में अगर यहाँ भी चलता रहता है तो अच्छी बात है। और बस ये मुझे कहना था। जी हाँ, जो समस्याएं इस समय देश के सामने खड़ी हैं उसमें जो मेन समस्या है वो है आबादी। आबादी रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है, संसाधन घटते जा रहे हैं, अब हर जीव को भोजन चाहिए, तो जैसे आबादी बढ़ेगी हमारे जो साहित्यकार हैं इस आबादी पर भी मंथन करें कुछ करके, नहीं तो आने वाला जो समय है
वो विस्फोटक होगा क्योंकि क्राइसिस फूड के लिए होगा। ये हम जितना भी है सब भरा रह जाएगा पहले से और आज भी, तो जो पॉपुलेशन है ये कंट्रोल की जाए, इस पर सभी समाज मिलकर के गोष्ठी करें और समाज में जागृति पैदा करें कि भाई पॉपुलेशन कम, क्योंकि संसाधन हमारे पास में 19% आबादी विश्व की भारत में है और 4% संसाधन, तो अभी स्थिति ये हो रही है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी देश की। एक पक्ष और है इसका साहब, जो मैंने रीडर डाइजेस्ट में पढ़ा था, नागरा वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी तो कुछ घंटों के लिए वो प्रोडक्शन बंद हुआ। बंद होने के बाद वहाँ के बुद्धिजीवियों ने, विज्ञानियों ने इस चीज़ का सर्वे किया, कितने घंटे जो बिजली बंद रही उससे जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो हमारे यहाँ मनोरंजन के साधन नहीं है। एक विकल्प ये भी है कि जब आदमी थका हारा घर पे आता है अपनी मेहनत मजदूरी करके, तो उसको मनोरंजन के लिए कुछ नहीं मिलता, और उसका ये कारण है कि फिर उसका आकर्षण उधर हो जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वो पूरे रिजल्ट छापे कि ये इतने घंटे बिजली बंद होने से जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। क्या हमारे यहाँ देश में कोई सोचता है इस दृष्टि से? परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मेरा मानना है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही विकास है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमारे विकास में कहीं कहीं बाधक होगा। तो हमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परिवर्तन तो आपके ऊपर हावी हो जाता है खुद ही, आप स्वीकार करें या न करें परिवर्तन तो हो ही जाता है। आप पक्का इरादा कर लें कि नहीं बदलना तो यदि आप तो वो तो होगा, स्वीकार करना चाहिए कि अलावा भी वो तो होता ही है, हमारे मानसिक का गलत ही है परिवर्तन का। मेरा इसलिए था, इसलिए हमें कश्मीर के संदर्भ में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है तो हमें उसके प्रति भी थोड़ी सी सकारात्मक मानसिकता अपनाते हुए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरा निवेदन ये है साहब कि कश्मीर पे जो लोग बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि उन्होंने उसका मानचित्र भी अच्छी तरह देखा नहीं देखा, क्लोज आईज से। और अब तक भी यहाँ परिवर्तन पहले भी सकारात्मक हिंसा स्थिति में आगे भी सकारात्मक होगा, हम उसी में शक्त है। अब ये थोड़े वक्ती हो रहा है, थोड़े थोड़े जब हम पीछे भी हो लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने किताब लिखी है सर, एक बात है पाठक को जब मिलेगा पुस्तक के साथ एक पेपर कटर दिया जाए, वो पन्ने निभाते हैं उसके जो प्रेस में रह जाते हैं ना प्रिंटिंग में वो पन्ने ही जुड़े रह जाते हैं, जिनको फ्री में दी जाती है किताबें एक कटर नहीं दिया जाए तक पता चले कि इन्होंने चाहे पढ़ी या नहीं पढ़ी लेकिन पन्ने कटे हुए होंगे तो समझ जाएंगे पढ़ी तो। क्या बना लेंगे आएंगे नहीं,
किसी भी विषय पर, किसी भी विधा पर आप अपना कोई विचार रखते हैं, आपका स्वागत है और हम सब आपके साथ। वो किसी तरह का भेदभाव न समझे न रखे। जैसा कि मैडम ने आज कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे कहना चाहता हूं, आपसे इजाजत लेते हुए कि आगे जब भी हम प्रोग्राम करें तो आप समय जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हमें लगता है जो सीधी सीधी बात कहने के आदमी होते हैं अपनी बात वो कम नजर आते हैं। आपने जो कुछ कहा वो सीधा सीधा कहा, तो साहित्य की पहली मांग है कि आप सीधी बात करें। अगर आप किसी लिहाज में छुपकर बात करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बैक स्टेज लेकर बात करते हैं, तो बात खुल के नहीं आती है, वो फिर आप ही जाती है, वो कुछ आती है। तो मेरा सबसे आग्रह यह है कि जनसोर का मंच उसकी और भी मिला है। जैसे थिएटर एंड लेकर हुआ पिछले चार साल से खूब सारे नाटक हुए और यहाँ से ले चल के आपके इलाहाबाद तक गया, जम्मू कश्मीर भी गया, जेके के जयपुर भी गया, बीकानेर भी गया और अभी 15 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले यहाँ स्टेज होने जा रहा है, डेट ऑफ गैलरी 15 तारीख। तो मेरा आग्रह है आप सब उसमें आए और उपस्थिति दर्ज कराएं, और उसमें भी ऐसा ही होगा कि प्रोग्राम के बाद, स्टेज होने के बाद आपके विचार भी आमंत्रित, ऐसा नहीं कि दर्शक की तरह आप आए चुपचाप चले गए, उसकी उसमें सहभागिता विमर्श के लिए आमंत्रित रहेगी, वो समय भी उसमें रखा है, तो उसमें जरूर आएंगे आप। जनसंपर्क मंच आपका है, इसमें किसी का कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें पैसा है, हम किसी से कभी भी कोई पैसा भी नहीं लेते सदस्यता के नाम पर, और न ही यहाँ कोई पोर्टफोलियो। शायद हम लगता है कि शायद इन दो गुणों के कारण हम पिछले 6 साल से इसे चला रहे हैं और आप सबसे ज्यादा कब नहीं होंगे और सफलता से प्रोग्राम करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। इसी के साथ में जैन साहब जो है अपने शुद्ध आत्मभाव से अनुदानित मूल में पुस्तक का घोषित करते हैं, तो बहुत ऑलरेडी है। आप थोड़ा सा पीछे कर लोगे तो हमारे एक छोटा सा डायलॉग सस्ता है, उस पर लिखा है कि पुस्तक का मूल्य 650 रुपये है, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु मन कोई पाठक उस पुस्तक को लेना चाहता है तो जैन साहब की तरफ से उसमें लिखा हुआ है कि मात्र 500 रुपये वहाँ रखी हुई है, आप कोई भी ऐसा जन चाहें तो उसे ले सकते हैं, क्योंकि वो लेखक की व्यवस्था होती है, उसे प्रकाशक से 5-10-15 कॉपी मिलती है, तो उसकी अपनी व्यवस्था होती है, उसके पास पूरा हाथ नहीं होता, उसे भी पैसा देके मंगानी पड़ती है, फिर भी जन साहब ने ये व्यवस्था की है, पुस्तकें उपलब्ध हैं छोटे से काउंटर पर, आप में से कोई भी लेना चाहें सकते हैं, तो आज के बाद भी जब भी चाहे जैन साहब से संपर्क कर लें, वो करेंगे। इसी के साथ में हमारे देवेंद्र जोशी जी हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा कि वो आए और वर्ड ऑफ थैंक्स है।
Yeah.